हेलो एवरीवन, आज अगेन हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर फोर मैकेनिक्स कर रहे हैं। मैकेनिक्स में आपको काफ़ी कुछ कवरअप कर लिया गया, एमसीक्यू पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले उस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत करवा दिया गया। कोप्लैनर फोर्सेस, वर्चुअल बक, स्टेबल अनस्टेबल, कैटेनरी, काइनेमेटिक्स, है ना। तो आई थिंक 5 चैप्टर आपको कवर कर लिया गया। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या आप हमारे आई बटन में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम काइनेमेटिक्स का एक दूसरा पार्ट है, काइनेटिक्स या रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर बीएससी में आपका फिजिक्स है, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका या सेकेंड ईयर में कहीं भी आपका फिजिक्स पढ़े हैं आप, तो आपको कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। सेम वही कंसेप्ट है, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसी से रिलेटेड सब चीज़ें यहाँ पर है। तो इस वीडियो से देखने से पहले एक बार अपना जो बुक है ना मैकेनिक्स का, तो रेक्टिलिनियर मोशन या उससे सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बोलते हैं आप, तो उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, उसका देख लीजिएगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सब चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा मैं बेसिक मैं मतलब डिटेल डीप में नहीं जाऊंगा इस चैप्टर में, बस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकते हैं वो आपको मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन। और मैं बता दूँ, जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो किसी मतलब जो सिंपल हार्मोनिक वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, कोई भी पार्टिकल मोशन करता है, निगत करता है, चाहे स्ट्रेट लाइन वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक और टेलीग्राम लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। इस वीडियो के लेक्चर का अगर आपको PDF या इमेज चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारी इंस्टाग्राम ID है ASTCHAPCL, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, तो देखते हैं हम बीएससी सेकंड ईयर मैकेनिक्स, काइनेटिक्स या रेक्टिलिनियर मोशन या ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन देख रहे हैं ये। एक्चुअली में जैसे जब भी ये न्यूज़ आया कि एमसीक्यू पैटर्न होगा, उसी दिन मैं इस वीडियो को मतलब इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करने वाला था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसी दिन स्टार्ट करने वाला था, जिस दिन फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था वेक्टर स्पेस का, एमसीक्यू पैटर्न का, लेकिन उसको मैंने रोक दिया वहीं पर कि हम क्या मतलब सब्जेक्टिव पढ़ाने से जब एमसीक्यू पैटर्न होगा, तो मैं स्टार्ट करने वाला था, लेकिन कोई नहीं, चलिए एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। आप बेसिक चीज़ें बुक से आप अपने के बाद स्टडी कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्शन टू वॉट अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन विच गिव्स वेरिज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज। सिंपल आपसे क्या पूछा गया है, इसका क्या पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा गया है। कह रहा है कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, जो उसका डिस्टेंस है वो इनवर्स है, क्या है, इनवर्स है किसना, फिक्स पॉइंट से, ठीक है, तो उसका मोशन क्या होगा। सिंपल फर्स्ट ऑप्शन d2x dt² = μx² d2x dt² - μx, थर्ड ऑप्शन d2x dt² = -μ / x², फोर्थ ऑप्शन d2x² dt² μx। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है, आप जाके आराम से मैच कर लीजिएगा, इसको एक बार रिमेंबर रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए, करा टी क्या है, टाइम पीरियड है सिंपल हार्मोनिक मोशन का SHM का, एंड एम्पलीट्यूड उसका क्या है ए है, एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स क्या है म्यू है, म्यू को हम हमेशा इसमें इस चैप्टर में इंटेंसिटी ऑफ फोर्स बोलते हैं। देन विच ऑफ द रिलेशन, ठीक है, टी इजकल टू पाई बाई टू रूट में म्यू, टी इजकल टू टू पाई रूट में म्यू, टी इजकल टू ए म्यू, और टी इजकल टू टू पाई म्यू, सी डायरेक्टली रिजल्ट से, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इजकल टू क्या होता है, टू डिवाइड बाई रूट में म्यू, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, डायरेक्टली बस रिजल्ट से डिफिनेशन है, आप जाके इजी देख सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब अ सर्किल विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पार्टिकल एंड डायमीटर, तो क्या होता है, एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डज नॉट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कांस्टेंट, और फोर्थ ऑप्शन है क्या है, नन ऑफ द। तो ऑब्वियस है क्या करेगा, अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है सर्किल विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पार्टिकल एंड डायमीटर, तो क्या होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डज नॉट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन,
रॉन्ग है, सी ऑप्शन कांस्टेंट रॉन्ग, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, इफ इन अ सिंपल एस एच एम का मतलब आपके एग्जाम में भी लिख सकता है, एस एच एम का मतलब क्या हुआ, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स म्यू, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स एट टाइम टी इज एक्स, देन इक्वेशन ऑफ मोशन इज, देन इक्वेशन ऑफ मोशन इज, फर्स्ट ऑप्शन डी एक्स अपॉन डी टी म्यू एक्स, सेकेंड ऑप्शन डी एक्स अपॉन डी टी माइनस म्यू एक्स, डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर म्यू एक्स, और फोर्थ ऑप्शन है डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर माइनस म्यू एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन सी बी और ए क्या है, इनकरेक्ट है। तो आप एक काम करिए, वीडियो स्टॉप करिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मोशन ऑफ पार्टिकल विच मूव्स इन स्ट्रेट लाइन सो दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन वेयर इज एज द फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, थर्ड रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, डी ऑप्शन क्या है रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट है, बाकी बी सी और डी क्या है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस म्यू प्लस बी, बी द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल गिवन बाय डी टू एक्स डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज गिवन बाय, इस इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ऑब्वियस है आपको भी पता है, इसका जो ए है वही एम्पलीट्यूड होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ए, बी नहीं होगा, म्यू नहीं होगा, म्यू टी प्लस बी नहीं होगा, यहाँ पर टी मिस हो गया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स म्यू, द वेलोसिटी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर फ्रॉम फोर्स बी सेंटर फ्रॉम फोर्स इज बी, देन बी स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पर तीन रिलेशन, यहाँ पर चार रिलेशन में लिखवा दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। बी स्क्वायर रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स इक्वल टू ए कॉस रूट ऑफ म्यू टी, थर्ड होता है टी इक्वल टू पाई म्यू टी, और फोर्थ होता है एन इक्वल टू वन बाई टी। तो सेकेंड ऑप्शन जो इसका क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है म्यू इन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बी ऑप्शन क्या इसका करेक्ट है, ए रॉन्ग, सी रॉन्ग और डी रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, इन रिलेशन को आपको याद रखना है, इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, इसको वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर, तो एक बार बुक आप जरूर देख लीजिएगा, हाँ जो कुछ छूट गया होगा एक बार आप जरूर एक बार उसको देखिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है, थोड़ा सा एमसीक्यू रिजल्ट्स होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर एट देखिए, द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल गिवन बाय इक्वेशन डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर माइनस म्यू एक्स हैज अ सोल्यूशन एक्स इक्वल टू ए म्यू टी प्लस अल्फा, द अप्रोच इज गिवन बाय, कभी भी जो ये अल्फा होता है इसको हम बोलते हैं अप्रोच, क्या बोलते हैं अप्रोच, याद कर लेना इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या करेक्ट है, सेकंड थर्ड और डी, जो अप्रोच होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्फा को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ हुक्स लॉ, एक बार बुक ओपन करिए और हुक्स लॉ को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, 5-10-15-20 मिनट लगेगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं इतना बताने का, मैं ही एक्सप्लेन कर देता, तो आपके पास हुक्स लॉ जो है उसको एक बार देख लीजिएगा। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, इलास्टिक स्ट्रिंग का हुक्स लॉ क्या होता है, टी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए बाय एल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी बी सी डी याद रहे मैंने क्या बोला, हुक्स लॉ एक बार जरूर आप पढ़ के जाना एग्जाम में, उससे क्वेश्चन हो सकता है बनेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर टेन, द कांस्टेंट लैम्डा आर प्रोपोर्शनली टू इन द हुक्स लॉ, टी इजकल टू लैम्डा लैम्डा डैस माइनस सॉरी टी इजकल टू लैम्डा एल डैस माइनस एल डिवाइड बाई एल इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन मॉडुलस ऑफ रिलेटिविटी,
सेकंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, सी मॉडल्स ऑफ वेस्कोसिटी और डी है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो इसका किससे प्रोपोर्शनल टू होगा, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी के होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए रॉन्ग, सी रॉन्ग और डी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द कह रहा है सिंपल हार्मोनिक में जो वेलोसिटी होती है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, एक्सिमम पॉइंट, सेंटर, बिटवीन एक्सिमम पॉइंट एंड सेंटर, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसका सेंटर पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बी ए बी सी और डी क्या है, रॉन्ग है। आप थोड़ा सा क्या करिए, कहीं मुझे ऑप्शन में कहीं लिखने में मिस्टेक हो जाता है तो थोड़ा सा आप उसको देखते रहिएगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स में एक मैकेनिक्स का एक वीडियो है काइनेमेटिक्स, उसमें थीटा डॉट का जो स्क्वायर है वो मैं मतलब स्क्वायर लगाने में हो सकता है मेरे हाथ से कहीं वो मतलब स्किप हो गया, मिट गया, क्या हुआ माँ, तो उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर ऑप्शन में कहीं कुछ मिस्टेक हो जाता है तो थोड़ा सा उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, वैसे हाथ लग जाता है तो वो स्क्वायर जो होता है वो रिमूव हो जाता है, वही हुआ था काइनेमेटिक्स के लेक्चर में, वो थीटा डॉट का स्क्वायर था, तो ठीक है। तो एक बार मैच कर लेना, आप कहीं लगेगा तो आपको सही करें, बार बार उसका उन चीज़ों पे कमेंट नहीं किया जाता है ना, ताकि हमें भी बार बार सबको रिप्लाई देना पड़ेगा। आप देख आप अगर आप कमेंट करते हो तो आप देख रहे हो पिछले ने कमेंट किया है, फिर भी आप कमेंट करते हो, पूछते हो सर यहाँ गलत है, आपने यहाँ गलत किया है, अरे भाई मुझे पता है वीडियो को मैं सही तो नहीं कर सकता ना, वो बाई मिस्टेक मेरे हाथ से लगा, क्या हुआ, मैं नहीं लिखा, क्या हुआ, आप उसको पता चल गया, आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स म्यू, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स इज एक्स, देन क्या होता है रिलेशन, इन सब में रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू साइन टी म्यू रूट में म्यू, सेकेंड ए कॉस रूट में म्यू टी, थर्ड कॉस रूट में म्यू टी और फोर्थ है ए टी रूट में म्यू। तो आपका सब नंबर आपका डी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है और ए इनकरेक्ट है। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को जो रेक्टिलिनियर मोशन का एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न बनेगा कुछ इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक काम करिएगा, आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एक बार बुक निकालिएगा, बुक निकालने के बाद थोड़ा सा एक बार बुक में भी इन क्वेश्चंस को ढूंढिएगा कि ऑप्शन कहीं चेंज करके ना पूछ दे, ठीक है ना। तो एक बार आपका भी वर्क है, मैं तो जितना गाइड कर रहा हूँ आपको वो तो कर ही रहा हूँ, आपका भी काम है। ऐसा नहीं जो मैंने 15 क्वेश्चन लगा दिया, बस सर जी ने बता दिया है 15-12 क्वेश्चन उसी में से आएगा, अरे भाई बताया है ठीक है, गाइड आपने किया, मैंने किया आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ, थोड़ा सा अपने हिसाब से भी आप वर्क करिए, आपके पास आपका टाइम बहुत ही कम है। समझ में आ रहा है बातों को, नहीं बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आपका हमें लग रहा है मैकेनिक्स में इससे ज़्यादा आपको आप कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखेंगे और भी जो होगा कर दिया जाएगा आपके लिए, और इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन अगर और भी अराइज होंगे मैं जल्दी लेके आपके लिए आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।